आपने बहुत सारे बिजनेस के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा और बिजनेस किया भी होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सोचा होगा। एक ऐसा बिजनेस जिसे करके आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसे आप पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नोएडा में एक कंपनी है जिसका नाम है जीएस पैकेजिंग मशीन्स। जीएस पैकेजिंग कंपनी में कई तरह के पैकेजिंग मशीन्स बनाए जाते हैं जिसके पूरी नोएडा में तारीफें की जाती हैं, और इन मशीनों को इस्तेमाल करके आप एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। जीएस पैकेजिंग मशीन्स कंपनी के ओनर मोहम्मद गुलशन अली ने क्या कहा, देखिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलशन अली है, जीएस कंपनी का प्रोपराइटर हूँ। ये कंपनी में 2016 में शुरू किया था। किस किस प्रकार की मशीन बनाते हैं? हमारे पास मशीन बनती है मसाला पैकेजिंग मशीन, ग्राइंडर, पफ पैकिंग मशीन, पफ कुरकुरे, पान मसाले, हर प्रकार का मशीन पैकेज मशीन से लेके और बनाने तक बनाते हैं। हम फ्रायर बनाते हैं, डीजल फ्रायर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्रायर बनाते हैं, कुरकुरे का ऑनलाइन प्लांट बनाते हैं, पफ का ऑनलाइन प्लांट बनाते हैं, मल्टी हेड मशीन बनाते हैं, फुल ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं, एफएफएस मशीन बनाते हैं, हाफ ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं, जैसे सब पैकिंग मशीनें, नमकीन पैकिंग मशीन बनाते हैं, नमकीन वाली मशीन बनाते हैं हम, चिप्स वाले चिप्स का पूरा प्लांट देते हैं पैकिंग से लेकर बनाने तक। कोई अगर व्यवसाय करना चाहे, व्यापार करना चाहे, आपसे मशीन खरीद के सुदूर क्षेत्रों में लेकर जाता है, तो सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? सर्विस हमारा जीएस पैकेजिंग का सबसे अच्छा है। मैं सर्विस हमेशा पहली पार्ट टाइम तो फ्री रहता है, उसके बाद मैं एक साल वारंटी गारंटी भी देते हैं। सर्विस के लिए मेरा जीएस पैकेजिंग एक नंबर पे है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई अपना मशीन बहुत दूर भेजा, यहाँ से कहाँ कहाँ सबसे दूर भेजी मशीन? नेपाल गई है, साउथ अफ्रीका गई है, और इंडिया में हर जगह गई है, गुवाहाटी गई, आसाम गई, सिक्किम गई। मशीन में प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? मैं 24 घंटे पहले वहाँ से कॉल आता है कि मशीन है, तो 24 घंटे बाद मैं लड़का भेजता हूँ। सर्विसिंग आपकी अच्छी है? अच्छी है। अगर कोई नया स्टार्टअप कर रहा है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसको आप क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही सलाह दूंगा कि तेल तो आजकल बहुत महंगा हो गया है। आजकल पफ का प्लांट डालिए, पफ बहुत अच्छा है रोस्टेड आइटम में। मसाले का काम करिए, मसाले में भी बहुत अच्छा है। उसके बाद पान मसाले का काम करिए, वो तो सबसे बेस्ट है, जल्दी करोड़पति बन सकते हैं मसाले का काम करने में। आप क्या सोया बड़ी बनाने की और पैकिंग की मशीन है? हाँ, वो भी बनाने की भी मशीन है, सोया बड़ी का प्लस ड्रायर करने के भी है और पैकिंग करने के लिए भी है। अच्छा, अभी मार्केट में पास्ता, मैक्रोनी और वर्मीसेली चल रहा है, उसकी मशीन है? हाँ, उसकी भी मशीन है, उसकी बनाने से लेके रोस्ट ड्राई से लेके पैकिंग मशीन तक, वो भी मशीन हम बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे आप अलग कैसे हैं? जीएस पैकेजिंग उन मैन्युफैक्चरर्स से अलग कैसे हैं? मैं अलग ऐसे हैं कि मैं सर्विस अच्छा देता हूँ और बाकी लोग सर्विस नहीं देते हैं। इस मशीन में बहुत ज़रूरी है सर्विस, अगर सर्विस है तो अच्छा है, कोई सर्विस नहीं दे तो अच्छा नहीं है। उसके बाद अच्छा हम ब्रांड सामान लगाते हैं, सब अच्छे से करते हैं, ट्राई करके मशीन हम भेजते हैं, ट्राई करते हैं ये सॉल्यूशन करके फिर मैं मशीन भेजता हूँ। अच्छा, कोई अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश या बिहार से भी कस्टमर आता है, तो क्या प्रोसेस है मशीन लेने का? प्रोसेस कुछ नहीं है, आप पहले तो उनका जीएसटी होना चाहिए, फुल लाइसेंस होना चाहिए, बाकी हमारे से कांटेक्ट करें, हम उनको पूरा सजेशन देंगे, पन्नी भी छपवा देंगे, पन्नी का सजेशन देंगे, फूड मसाले भी दे देंगे, मसाले से भी कांटेक्ट करवा देंगे, सब हम मतलब एवरीथिंग सब उनका ओके करके ही भेजेंगे। देखिए, सरकार जब से आत्मनिर्भर के मुहिम शुरू किया तब से हम फैक्ट्री डाले हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आत्मनिर्भर बने और काम शुरू करें, कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाइए। मसाले का काम करिए बहुत अच्छा है, चाय पत्ती का काम करिए बहुत अच्छा है, पान मसाले का काम करिए बहुत अच्छा है, उसके पफ का कुरकुरे काम करिए, रोस्ट आइटम बहुत अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए। बता दें कि नोएडा में कई बिजनेसमैन जीएस पैकेजिंग की मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। ऐसे ही हम पहुंचे नोएडा के एक कंपनी में जिसका नाम है ओजस प्राइवेट लिमिटेड।
हमने इस कंपनी के ओनर आर्यन पांडे से बात की और इन मशीन्स के बारे में विस्तार से जाना। आज हम आपको एक नए बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आए हैं मसाले बनाने की कंपनी में। यहाँ पर उत्पादन होता है, कई तरह के मसाले बनाए जाते हैं और इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि उत्पादन कैसे होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस कंपनी के ओनर आर्यन पांडे से। तो सबसे पहले और बताएं अपने बारे में। मेरा नाम आर्यन पांडे है और मैं ओज स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड का पार्टनर हूँ, यहाँ पे ऑनर हूँ। ये प्राइवेट कंपनी है, हम लोग ऑल स्पाइसेस में डील करते हैं, ऑल काइंड ऑफ स्पाइसेस में। और ये कंपनी B99 सेक्टर 64 में लोकेटेड है, नोएडा में। बेसिकली हम ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, ऑल काइंड ऑफ स्पाइसेस में डील करते हैं। तो अच्छा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस मशीन के बारे में बताएं कि कहाँ से आई है, कैसे परचेज करते हैं और कैसे कैसे इसमें काम होता है। ये मशीन है सेक्टर 10 GS पैकेजिंग से हमने ली थी, नोएडा सेक्टर 10 में कंपनी है, वहाँ से GS पैकेजिंग उनसे परचेज की थी। इसकी प्राइजेस क्या होती होंगी? काफ़ी महंगी भी होती है। हाँ, ये महंगी होती है। इसकी प्राइजेज नियर अबाउट 3 to 4 lakh के अराउंड होती है ऑगर फिलर की। बाकी एक ये FF मशीन है, ये खड़े मसाले को पैक करती है। इसकी प्राइसिंग नियर अबाउट 1.5 lakh के अराउंड होती है और ये सारा खड़ा मसाला पैक करती है 50, 100, 200 ग्राम में ये। अच्छा, आप नाम बताएं कि कौन कौन से मसाले पैक होते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, आपका जीरा, जीरा पाउडर, ये सारे मसाले पैक होते हैं। नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपने GS को ही क्यों चुना? GS पैकेजिंग मैंने पहले रिसर्च वगैरह किया, पता किया, बहुत सारी कंपनियां हैं। एक्चुअली क्या होता है, मेरे कई जानने वालों ने मशीन ली थी, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैं GS पैकेजिंग से लिया। मैंने उनसे फर्स्ट टाइम मशीन ली थी, मुझे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने काफ़ी अच्छी मशीन दी हैं, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में जब था, नया नया था, तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन वो सर्विस तो प्रोवाइड करते थे, सेम डे वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत नहीं आ रही थी। दिक्कतें अगर कभी कभार आ जाती हैं, मशीन्स हैं उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो क्या वो सही सर्विस, मतलब आते हैं सही करने आते हैं, कैसे करते हैं, काम करते हैं सही से टाइम? हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे मशीन्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, छोटा मोटा डिफॉल्ट इनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो ही जाता है, तो वो सेम डे हमें सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि वो नोएडा में ही है। इवन मेरा कॉल करने का टाइम होता है 1 से 2 घंटे में, उनका कोई ना कोई बंदा आके यहाँ आ जाता है मशीन को रिपेयर करने। और बाकी वो बाहर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो बाहर भी 1-2 दिन में दे देते हैं। जैसे मेरे कई लोग हैं जिन्होंने बाहर मशीन ले रखी हैं, तो वहाँ पे भी वो 1 से 2 दिन में उनका बंदा पहुँच कर सर्विस कर देता है। अच्छा, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर, रोज़गार भी काफ़ी निकलते होंगे? हाँ, रोज़गार वगैरह निकलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे मेरा 8 लोगों का स्टाफ है, ऑनर्स को हटा के 2 लोग हैं जो पार्टनर हैं, वो उनको हटा के यहाँ पे 8 लोगों का टोटल स्टाफ है। तो अभी तो इतना ही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट अपने आप। बता दें कि इन पैकेजिंग मशीन्स की मार्केट में बहुत ही वैल्यू है और इसे खरीद कर आप एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। यह बिजनेस सबसे ज़्यादा आसान भी और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला भी है। पैकेजिंग बिजनेस करके आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि GS पैकेजिंग मशीन्स की कंपनी नोएडा सेक्टर 10 में स्थित है। यहाँ पर कई तरह की पैकेजिंग मशीन्स बनाई जाती हैं। अगर आप भी पैकेजिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8506086688, 8447839212।